हेलो एक्टर्स। सो गाइस, ये है आज की सारी ऑडिशन की अपडेट। ध्यान से पढ़ो, ये 2 दिन की अपडेट है। यस्टरडे वीडियो नहीं आई थी। यस्टरडे मैंने रिकॉर्ड करके रखा था बट मैंने अपलोड नहीं कर पाया। बस मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, तो मैंने आज के वीडियो आज का जो अपडेट है सुबह का मॉर्निंग का और कल का जितना भी अपडेट्स है मैंने यहाँ पर इस वीडियो में डाल दिया है। ओके गाइस, सो ऐसा नहीं है कि कल का ऑडिशन है तो कल के ऑडिशन में नहीं दूँ, ऐसा नहीं है, मिक्स डाला है। ओके, इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए जो 5-6 मिनट में जो देख रहे हो, 5-6 मिनट्स के रिक्वायरमेंट, ये सब कल के रिक्वायरमेंट है, आपको देख के पता चल जाएगा। ओके, एंड बाकी के लास्ट में मैंने आज के अपडेट्स डाल दिए, दोनों मिक्स करके डाल दिए। ओके, सो यस, अभी सैटरडे संडे है, आने वाला है आज, आई थिंक फ्राइडे है, राइट? फ्राइडे, यस, आई डोंट नो, देखो एक बार, बट सैटरडे संडे आने वाला है, कल नहीं तो परसों। तो ध्यान से अपना ऑडिशन दो, मीन्स अपना ऑडिशन बनाओ, 2-4 ऑडिशंस बनाओ, कल दो और परसों दो। 1-1 मिनट का हार्डली आपको ऑडिशंस बनाना है। ओके, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड। अभी मैंने और इसमें कॉमेंट सेक्शन में आई थिंक 1-2 लोग के कॉमेंट है, नाम मुझे पता नहीं है, बट येस, ही उसका सिलेक्शन हुआ है। ओके, किस में सिलेक्शन हुआ है आई डोंट नो, मन कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म या कहीं ना कहीं अब उसका सिलेक्शन हो चुका है। सो गाइज, सिलेक्शन होते हैं। ओके, सो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोज़, इस ऑडिशन अपडेट्स में जो हमारा है, हमारा जो ऑडिशन अपडेट्स है, इसमें से बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं। ओके, अब ये आपको इसमें मिल रहा है, अभी ऑडिशन जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो हालांकि वो पेड ग्रुप्स है। ओके, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, जो भी क्वेरी है वो पूछते हैं। ओके, उसमें से वो उनको हम गाइडेंस देते हैं, हमारी टीम होती है, वो गाइडेंस दे देते हैं। ओके, सो ऐसे होते हैं। अभी हालांकि पेड ग्रुप्स है नहीं है फ़िलहाल के लिए, जो पिछले थे, मैंने पूरा का पूरा, जैसे मैंने बोला कि वेबसाइट बनाई है हमारी, जो वेबसाइट जितने भी है, वेबसाइट में मैंने पूरे के पूरे जितने भी हमारे पुराने मेंबर्स थे उनको मैंने पूरे वेबसाइट में डाल दिया है। ओके, अब जो नए हैं, जिन्होंने 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन लिया है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया है, उनको मैंने अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक सब्सक्रिप्शन एंड नहीं होता तब तक के लिए, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। ओके, बीच में भी ओपन किया था मैंने, बीच में ही पिछले मंथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का ओपन किया था वापस से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो अभी मैंने बंद कर दिया है कि मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए व्हाट्सएप में, गिने चुने लोग चाहिए थोड़े बहुत। सो व्हाट्सएप में हर एक लोगों को सेंड करना होता है, तो ऐसा होता है, तो मुझे आई डोंट वॉन्ट दैट काइंड, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, आप समझ सकते हो। एंड वैसे भी ये जो ग्रुप है वो वर्किंग के लिए है। ओके, अब ये पेड ग्रुप क्या है, किस तरह से, आपको पता है, पुराने मेंबर्स को ये पता है। ओके, सो ये वर्किंग्स के लिए जो काम करते हैं, ये वीडियो देखने के लिए मौका नहीं मिलता, 8 बजे सुबह शिफ्ट में जाते हैं, शाम को 6:30-7 बजे आते हैं, तो कैसे दूँ, किस तरह से अपडेट्स किस तरह से लूँ, तो उनको फ़ोन में डायरेक्टली आपको अपडेट आ जाता है, डायरेक्टली व्हाट्सअप तो फ़ोन होता ही है, व्हाट्सअप में वो नंबर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके सेव करते और डायरेक्टली काम करते करते वो अपना ऑडिशन भेजते, तो काम भी हो जाता है और ऑडिशंस भी हो जाते हैं। तो ये जिनको ये वीडियोस देखना, स्क्रॉल करना, बुक में लिखना, जिनको प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जिनको नहीं तो यहाँ पे है, हम यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे जो अपडेट्स होते हैं इतने भी नहीं आते जितने फ़ोन्स में आते। अब इसका भी बेनिफिट मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ओके, क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इनके बेनिफिट्स है। ओके, नॉमिनल अमाउंट होता है वो किस तरह से है, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको पुराने मेंबर्स को पता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो क्लोज है, अभी फ़िलहाल के लिए अगर चाहते हो तो भी नहीं कर सकते, ये मंथ तो क्लोज है ही है। ओके, तो ऐसा है, तो मेन मोटो क्या है कि सिलेक्शन होते हैं। ओके, तो आप सभी लोग बोलते रहेंगे कि सर मैं इतना तो ऑडिशन भेजता हूँ, सो मेरा ऑडिशन सिलेक्शन क्यों नहीं होता। ओके, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता कि मैं प्रोफाइल इतना भेजता हूँ, तो एक तो है कि आपकी ऑडिशंस गलत जा रही है, आपको पता नहीं है आप कौन से, आपको लग रहा है कि ये मेरे ऑडिशंस ये सही हैं, मैंने सही भेजा है, बट गलत जा रही है। अभी कैसे पता करें, तो हाउ टू रीड एंड रिक्वायरमेंट मैंने वीडियो डाली है, इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई है। ओके, कि क्या मैंने कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, किस तरह से मैं ऑडिशन गलत भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई है। ओके,
यही है। तो उनको उसका कैसे सिलेक्शन हुआ, उसने सही ऑडिशन भेजी होगी, वो सही जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है ना उसका सही ऑडिशन भेजा होगा, नहीं तो जैसे उनको कैरेक्टर चाहिए था, जिस तरह से उनको लुक चाहिए था, उस तरह से उनको मिल चुका होगा, ओके, जैसे स्टोरी लाइन में हुआ है। तो ये भी हो सकता है। अब कैसे हो, किस तरह से क्या करना है, हाउ टू रीड एंड रिक्वायरमेंट में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आपको एंड स्टार्ट से एंड तक विदाउट स्किप देखना है, क्योंकि वो बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। प्लेलिस्ट में 3 ही वीडियो है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं किया, तो ओनली 3 वीडियोज है प्लेलिस्ट में। एक तो कास्टिंग फ्रॉड वाला है, वहाँ पे फ्रॉड कैसे होते, किस तरह से बचना चाहिए, जो आपके क्वेरीज है पैसे के डिमांड करने के लिए, एग्रीमेंट, आर्टिस्ट कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हालांकि मैं वापस से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं, ओके। ये जो वीडियो है वो बहुत पुरानी है, आई थिंक अराउंड 6 to 7 months पहले मैंने ये वीडियो बनाई है, कास्टिंग फ्रॉड एंड हाउ एक्टर्स गेट ट्रैप्ड वाला वीडियो, ओके। जब ये पास 6 to 7 months अराउंड तब मैंने बनाया था, ओके। तो ऐसा है, देखो सिलेक्शंस तो होते हैं, किस तरह से आपको स्मार्ट वर्क करके सिलेक्ट होना ये आपके ऊपर है। हालांकि यहाँ पे आपको ऑडिशन अपडेट्स में आपको जो हेल्प चाहिए वो हम यहाँ से हमारी तरफ से मिलते हैं, क्योंकि हमारा मोटो ही है कि हम एक्टर्स को ही हेल्प करते हैं, जो जिनको नहीं पता होता है कि यार कहाँ पे किस तरह से ऑडिशन दिए जाते हैं। स्मॉल टाउन स्पेसिफिकली, जो स्मॉल टाउन के हो उनको हम कैप्चर करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पता होता है। अब मुंबई, दिल्ली NCR, हैदराबाद, कोलकाता, इन लोगों को तो थोड़ा बहुत से, मुंबई के लोगों को तो पता ही होता है, दिल्ली लोगों को थोड़ा सा होता है, मतलब ऑलमोस्ट उनको पता ही होता है, बट बाकी के जितने भी सिटीज़ है, बाकी के सिटीज़ का क्या, जो कोलकाता, कश्मीर, बिहार, गोवा, एनी देयर आर लॉट ऑफ सिटीज़, ओके। सो उनका क्या, ओके, उनको नहीं पता होता है, एक्चुअल में नहीं पता होता है कि यार पोटेंशियल होता है बट पता ही नहीं होता है। तो ये हमने बहुत बारीकी से, नज़दीक से देखा है। सो उनके लिए, उन तक ये चैनल पहुंचना चाहिए, ओके। ऐसा नहीं है कि हर सिर्फ एक्टर के फैमिली बैकग्राउंड से ही जाए, ओके, कहीं किसी के नाम से जाए, ये हमें नहीं चाहिए। हमें बस ये चाहिए कि जितने लोग, फ्रेश लोग ऑल ओवर इंडिया इस इंडस्ट्री में काम करें, ओके, ये पहुँचे, ये ऑडिशन की रिक्वायरमेंट उनके तक पहुँचे, ये हमारा मोटो। दैट्स वाई हमने ये चैनल बनाया है। नहीं तो बिफोर पास 7 years हमारा सिर्फ ग्रुप्स थे, मुंबई के ज़्यादा से ज़्यादा है 7 years पहले, जितने भी लोग थे अभी भी जुड़े हुए हैं, ओके। तो वहाँ पे हमारा सिर्फ ग्रुप्स था, कॉन्टैक्ट था, जैसे इंडस्ट्रियल के लोग जहाँ पे काम करते थे, कहीं काम किया हुआ है ऑलरेडी, तब वहाँ तक ही हमारा था, ओके। सो पिछले साल तक सिर्फ ग्रुप्स में हम अपडेट्स बांटते थे, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमने ये चेंज किया है। अभी हम ग्रुप्स तो है ही हमारे, बट यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट हम भेजते हैं। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स है जो आपको मिलते हैं अराउंड 20, 25, 30, ओके, कभी कभी मैं ज़्यादा डाल देता हूँ, कभी कभी 50 डालते हैं, बट ये इससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ग्रुप्स में मैं डालता हूँ, क्योंकि वो पेड है, उनको ज़्यादा थोड़ा सा प्रायोरिटी मैं देता हूँ, क्योंकि बिकॉज दे आर पेड, ओके। यहाँ पे भी आपको प्रायोरिटी दी जाती है, बट उतनी नहीं जितना उनको दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर पेइंग फॉर इट, ओके। सो ऐसा है, यही है, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ मैं पे, आप पेड ग्रुप ले लो, ये नहीं है मोटो। अभी ये आपको आपकी सिचुएशंस पर डिपेंड है कि कहाँ पे आप स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है, आपको मोबाइल से रिक्वायरमेंट चाहिए, ये आपके सोच पे और आपके सिचुएशन पर डिपेंड है। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ओके, नॉट दैट कि आप यहाँ पे मैं सिर्फ पेड ग्रुप ही बनाऊँगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते ही रहेंगे, इसका आप चिंता मत करो, ओके। बट यहाँ पे ये पेड ग्रुप किन के लिए, हर बार मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे को कमेंट आते हैं, DM आते हैं कि सर पेड ग्रुप का क्या है, ऐसा वैसा। पेड ग्रुप है बट किन के लिए है, पीपल हु आर वर्किंग, ओके। आप अगर स्टूडेंट हो तो ये मत समझ नहीं सकते कि आपको टाइम का, ये आपको पता नहीं होता, क्योंकि अगर वर्किंग हो तो आपको पता है, अगर इफ़ यू आर वर्किंग सिर्फ संडे को टाइम मिलता है,
आप कौन से फील्ड में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जिनका बहुत टाइम जाता है काम में ही, उनको समय ही नहीं मिलता कि आप अभी जाए यूट्यूब खोले डाले, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं, देर आर लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि अब एज ग्रुप सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ टीनेजर्स नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, वो चाहे लाइक 30s में हो, 35 में हो, और 28, 27, 25 जहाँ पे लोग लाइक पीक पॉइंट करियर में होते हैं, लाइक 27, 25, 24 नए नए काम शुरू किया जाता है तो अभी वहीं पे फोकस करते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो हर बार यूट्यूब का ऑडियो सुन के काम में तो कर नहीं सकते ना, तो काम में ऐसे किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनके लिए ये ग्रुप है। ओके, सो चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए भी है, ओके चाइल्ड आर्टिस्ट है, बट ऐसे ही है जैसे इसमें रिक्वायरमेंट आती है। ओके, चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती गाइस। अब चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए लाओ, चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए लाओ, बट इतने नहीं होते जहाँ पे जितने टीनेजर्स के लिए होते, लाइक 20 to 25 के बीच में जितने रिक्वायरमेंट होते उतना चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए नहीं होते। ओके, अपडेट्स इतने नहीं आते। ओके, आते हैं बट इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, इसमें भी होंगे 5-6। ओके, बट 5-6 भी आपके लिए काफ़ी है क्योंकि क्राउड इतना, कंपटीशन इतना होता नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि सर मुझे सिर्फ 5-6 ही मिल रहे हैं, 2-3 ही मिल रहे हैं, बट डेली बाय डेली मिल रहे हैं ना, थोड़ी तो डेली बाय डेली 2-3 तो मिल रहे हैं तो भी काफ़ी आपके लिए। तो आपको बस इसमें ही ढूंढना पड़ेगा, वीडियो देखो एंड इसमें ढूंढो। ओके, एंड एक्टिंग के रिगार्डिंग एनी डाउट रहेगा ना गाइस, एनी डाउट अभी किस तरह से करना है, मेरा क्या हो रहा है, मेरे ऑडिशंस क्यों नहीं जा रहे, गलत जा रहे, एनी थिंग, ओके आप मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। वी आर देयर फॉर यू टू हेल्प यू। ओके, इसमें किस तरह से जाना है, किस तरह से ऑडिशन देना है, हम आपको गाइड करेंगे। ओके, बस यही है कि गाढ़ो मेहनत मत करो, हमारे लैंग्वेज में हम बोल रहे हो कि गाढ़ो मतलब गधा मजूरी मत करो, गधा मजूरी करोगे तो हो गया आपका सिलेक्शन। ये रियलिटी चेक बोल रहा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा बट सही है। यहाँ पे हमारा काम सिर्फ ऑडिशन के अपडेट्स भेजना नहीं है, उसका कुछ यूज होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए उसके बारे में, कि नहीं मैं सुबह उठूँगा सिर्फ हाँ भेज रहा हूँ, जिनको देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, ऐसा इसके लिए हमने ये चैनल नहीं खोला है। ओके, अगर आपको ये अपडेट्स हम भेज रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ आपके करियर में हेल्प होना चाहिए। ओके, हेल्पफुल होना चाहिए, आपको सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो ये देख के फ़ायदा ही क्या है, आप कौन सा भी अपडेट्स ले लो, कहाँ से भी अपडेट्स उठाओ, आपका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो आपका फ़ायदा क्या है ये ऑडिशन की रिक्वायरमेंट देख के। ट्रू, अगर ये बात सच लगे तो मुझे कमेंट में बताना, यस सर यू आर टेलिंग राइट। ओके, यही है कि डाउट है तो मुझे कमेंट करो, सर ऐसा ऐसा है। अब बहुत सारे लोग क्लासेस लगाते हैं ऐसा वैसा, छोटे मोटे क्वेश्चंस की क्वेरी पूछने के लिए बीच में, आपका अगर क्वेश्चन है, कुछ डाउट हो तो हम यहाँ पे हैं आपको, आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व करने के लिए। ओके, सो ऐसा ही है, देखो और लाइक ध्यान से पढ़ो और अपना ऑडिशन दो, और डाउट हो तो मुझे बताना ज़रूर। ओके, सिर्फ ऑडिशन के पीछे मत भागो, रिक्वायरमेंट के पीछे मत भागो, हाँ आज की रिक्वायरमेंट है, हाँ मैं भागो 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 भागो, जैसे मैंने आउट रिटर्न रिक्वायरमेंट बोला है, 100 out of सिर्फ 20% ऑफ पीपल होते हैं जो रियल ऑडिशंस भेजते हैं, 20% भी मैं कभी कभी ज़्यादा बोलता हूँ, 20%, बाकी 80% ऑफ पीपल गधा मजूरी गाढ़ो मेहनत करते, देखो पता ही नहीं होता कौन सा ऑडिशन भेजना है, किस तरह से भेजना है, क्या है एक्चुअली में, कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ रिक्वायरमेंट पकड़ो, उठाओ अरे जल्दी जल्दी भेजो जल्दी, अरे नहीं आज की रिक्वायरमेंट आप शाम को रात को 12 बजे भेजोगे ना तो भी चलेगा, बट ढंग से भेजना, अच्छी तरह से भेजना कि यार कास्टिंग डायरेक्टर का आपका ऑडिशन देखे तो आपके उनके दिमाग में, उनके जहन में आपका ऑडिशन होना चाहिए, राइट ऐसा है। सिलेक्शन लोगों को उनके ही होते हैं जिनके परफेक्ट ऑडिशन होते हैं या मैच करते हैं उस रिक्वायरमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा 50% ऑफ लोगों के ऑडिशन से मैच ही नहीं होते जो रिक्वायरमेंट होते हैं एक्चुअल में। यस, सो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा बट यही है, एक भी रिक्वायरमेंट छूटनी नहीं चाहिए गाइस, ऑडिशन देते रहो देते रहो देते रहो, आपको मिल रहा है यहाँ पे तो देते रहो देते रहो, हार मत मानना। ओके, जो आप अभी फ़िलहाल काम कर रहे हो वो भी करना और ये भी करना। ओके, प्रॉपर प्लान अगर करोगे आप तो ऑडिशंस आपके पास होने चाहिए बहुत सारे, क्या होने चाहिए आपको पता है, आउट ऑफ रिक्वायरमेंट में मैंने बताया है। ओके, बहुत सारे ऑडिशंस आपके पास होने चाहिए। ओके,
नए नए किस तरह से होने चाहिए आपको पता है, मैंने वीडियोस में बताया, तो भी नहीं पता तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके सो जो अभी फ़िलहाल के लिए काम करो वो भी करो और ये भी करो। ओके और रिक्वायरमेंट छूटनी नहीं चाहिए एक भी, एक सिंगल रिक्वायरमेंट कैन चेंज योर होल लाइफ, मैं हर बार बोलता हूँ एंड इट इज़ अ ट्रू। ओके इट्स ट्रू कि ऐसा होता है गाइस। ओके सो बस ये मेरा मोटो यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब चाहिए ही, आपने किधर ना किधर कहीं ना कहीं ये अगर ऑडिशन अपडेट्स का सब्सक्राइब किया है, आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। ओके बस यही है। ओके तो यही है मिक्स किया हुआ ऑडिशन कल का और आज का, देखो एक बार। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोल दिया मैंने, अपडेट सिर्फ स्क्रॉल करते जा रहा हूँ बट कुछ मैंने इतना ज़्यादा आपको इस ऑडिशन के रिक्वायरमेंट के ज़्यादा जो भी रिक्वायरमेंट है कुछ पढ़ा नहीं है, मैं आपको बताया नहीं। सो देखो आप पढ़ो किस तरह से है क्या है एक्चुअल में, और अपना ऑडिशन देते रहो, हार मत मानना। ओके स्किप मत करना, पिछले 5 to 6 वीडियोस देखोगे वहाँ पे भी अगर ऑडिशन भेजना है तो भी भेजो। ओके ऐसा मत सोचो कि यार आज की फ्रेश ऑडिशन अपडेट्स है तो आज का ही मैंने भेजूंगा, कल परसों क्या है ये तो पुराना हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, एक दिन में कास्टिंग नहीं होती। ओके मिनिमम 1 वीक लगता है और मैक्सिमम 1 मंथ, उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो, बट छोटे मोटे कैरेक्टर्स तो फाइनलाइज हो ही जाते हैं। ओके सो यस यही है, देखो और पढ़ो, यही है आज की सारी ऑडिशन की अपडेट। कल की भी अपडेट थी इसमें मिक्स थी, और आज की भी है, ये जो है लास्ट के जो जितने भी 2-4 मिनट के है वो सब कुछ इस लास्ट में मैंने 2-4 मिनट के जितने भी ये भी आज के फ्रेश है सुबह के ऑडिशन के अपडेट्स हैं। सो यस देखो न्यू सीरियल रिक्वायरमेंट के 18 to 50 सॉरी सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स। ओके जैसे मैंने बोला अगस्त आ रहा है तो अगस्त के रिक्वायरमेंट छूटनी नहीं चाहिए गाइस, अगस्त में बहुत सारे रिक्वायरमेंट आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ब्रांड टीवीसी शूट ओके 14 to 15 अगस्त, कुछ इसमें रिपीट भी हुए होंगे क्योंकि रिपीट हो जाते कभी कभी। ओके तो गाइस यस यही है क्वेश्चन, 2-3 रिक्वायरमेंट फॉर अपमार्केट मेल 15 to 20 days a month। ओके 15 to 20 days a month छोटा कैरेक्टर मिला है तो भी आपको तगड़ी कमाई हो सकती है। ओके ये भी सोचो, छोटा भी कैरेक्टर मिलेगा बट इतना है तो तगड़ी पेमेंट मिलती है। सो गाइस यही है, देखो आज की सारी ऑडिशन की अपडेट। तब तक के लिए हैप्पी ऑडिशनिंग, गुड बाय एंड बाय।